What's up guys, once again welcome back to our YouTube channel। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ डांस दीवानी सीजन 3 को guys। फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है और सबसे पहले जो है धर्मेश एलांदे को रिव्यू किया जाता है guys। उनकी एक डांस परफॉर्मेंस आती है मुकाबला सॉन्ग पे जो कि बहुत ही दमदार थी। हमें याद आ गए DID के धर्मेश जिन्होंने पहली परफॉर्मेंस की थी, एज यू नो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस धर्मेश की थी। और इस बार जजमेंट पैनल पे आप देख रहे हो धर्मेश एलांदे को। सेकेंड परफॉर्मेंस जो आती है रिव्यू होते हैं जैसे तुषार कालिया गाइस, जैसा कि सीजन 2 फर्स्ट सीजन और सीजन 2 डांस दीवाने में तुषार कालिया आपने देखा है उनको, तो इस बार भी तुषार कालिया बहुत जबरदस्त जो है दिख रहे हैं गाइस। उनकी डांस परफॉर्मेंस होती है जो कि लोगों को बहुत एंटरटेन करती है गाइस। एक कंप्लीट लैटिन सालसा उन्होंने परफॉर्म करा जो कि लोगों को बहुत अच्छा लगा गाइस। और उसके बाद तीसरी जो जजमेंट पैनल पे हैं वो हैं सबकी चहेती धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित गाइस। जी हाँ दोस्तों, माधुरी दीक्षित को आप पिछले 2 सीजन से देख रहे हो और इस बार भी जजमेंट पैनल पे वो बैठी हैं तुषार कालिया धर्मेश एलांदे के साथ। और गाइस उन्होंने भी अपने डांस के ठुमके जो है लोगों को दिखाए तुषार और धर्मेश के साथ। और दोनों जो तीनों जजेस हैं ये टाइटल सॉन्ग जो डांस दीवानी सीजन 3 का बनाया है उसके ऊपर डांस करते हुए नजर आए गाइस। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो है पदवी जो है अपने काम को संभाल लिया बखूबी। और उसके बाद एंट्री होती है इस शो के होस्ट की गाइस। इस बार शो के होस्ट है राघव जुग्याल साइज। राघव जुग्याल इस बार शो के होस्ट हैं तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कॉमेडी तड़के जो है इस बार लगने वाले हैं गाइस। राघव बहुत अच्छे डांसर होने के साथ साथ बहुत अच्छे एक्टर भी हैं गाइस और उनको लोग पहचानते हैं और किंग ऑफ स्लो मोशन के नाम से उनको जाना जाता है। तो राघव डांस और कॉमेडी के तड़के लगाते हुए नजर आते हैं और उनकी बातों से खुश होते हैं उनके दोस्त धर्मेश। और साथ के साथ माधुरी दीक्षित भी उनकी बातों से बहुत ही हंसती हुई नजर आती हैं और गिरती हुई नजर आती हैं गाइस। तुषार कालिया भी उनको खूब ही इंजॉय करते हैं राघव की बातों को और साथ के साथ ऑडियंस भी उनकी बातों को याद करते हैं गाइस। और उसके बाद स्टार्ट होती है जर्नी और फर्स्ट जो हमारी परफॉर्मर थी वो थी जमुना गाइस। थर्ड जनरेशन से थी और ये थी मुंबई से गाइस। और माधुरी दीक्षित की ये बहुत बड़ी फैन है। जैसे ही वो स्टेज पे आती हैं तो राघव के साथ पहले उनकी थोड़ी बहुत कॉमेडी चलती रहती है। राघव उनको बोलते हैं कि आप माधुरी दीक्षित के फैन हैं तो ध्यान से जो है आप जाना और माधुरी दीक्षित से शर्माना। लेकिन जब वो जमुना जो है माधुरी दीक्षित को देखती हैं तो बहुत ज़्यादा वो खुश होती हैं। वो वैसे ही देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और माधुरी भी उसको देख के अपनी इतनी बड़ी फैन देख के बहुत खुश होती हैं। और उसके बाद परफॉर्मेंस आती है, परफॉर्मेंस की टर्न आती है। उम्र है 44, मुंबई की रहने वाले हैं जमुना और थर्ड जनरेशन में है गाइस। और उन्होंने डांस परफॉर्मेंस अपनी इतनी जबरदस्त की, टोटली फुली बॉलीवुड परफॉर्मेंस करी और माधुरी भी उनको देखते रह गई किस तरह से उन्होंने अपनी अदाएं चेंज करी हैं गाइस, किस तरह से उन्होंने डांस परफॉर्म कराया और क्या स्टाइल था उनका, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। एनर्जी लेवल बहुत ज़बरदस्त था जमुना का और वो सेलेक्ट भी हो जाती हैं इसके अंदर। और किस तरह उन्होंने बैठ बैठ के बॉलीवुड डांस को बखूबी किया, फेस एक्सप्रेशन उनके बहुत ज़बरदस्त थे और लोगों के साथ साथ जजेस ने भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा जो है एंजॉय किया गाइस। फुली बॉलीवुड परफॉर्मेंस थी और ये बहुत अच्छी जो है जजेस को भी जो लगी है गाइस। और राघव के बात करूँ डांस दीवाने सीजन 3 की, तो डांस दीवाने सीजन 3 के ऑडिशंस का खासकर जितने भी डांसर्स हैं वेट कर रहे थे उनको पता नहीं चला कि कब डांस दीवाने सीजन 3 के ऑडिशंस हो गए गाइस। ये सबसे बड़ी बुरी बात थी। इसी के साथ जमुना की परफॉर्मेंस जो है ख़त्म हो जाती है एक ग्रेट एक्सप्रेशन सर। माधुरी उसको बहुत ज़्यादा जो है खुश होती है उसकी परफॉर्मेंस को देख के और माधुरी के साथ साथ जो बाकी जजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं गाइस उसकी परफॉर्मेंस को देख के। और माधुरी उसकी बलाएं उतारती हुई नज़र आती है और जमुना भी माधुरी की बलाएं उतारती हुई नज़र आती है और वो झुक के माधुरी को प्रणाम करती है और बहुत खुश होती है। थोड़ी
इमोशनल हो जाती है और थोड़ा रोने लगती है। वो अपनी एक बात बताती है कि किस तरह वो माधुरी की मूवी तेजाब देखने के लिए बेताब हुई थी और किस तरह उसको वो मूवी देखने नहीं दी गई थी उसके घर जो उसके मोहल्ले वालों ने, तो उसने सारा काम भी घर का किया था लेकिन फिर भी उसको मूवी नहीं देखने दी गई, तो ये बात थोड़ी इमोशन करती है। वैसे भी इस बार डांस दीवाने पहली परफॉर्मेंस थी और थोड़ा सा इमोशन क्रिएट करा था, साथ के साथ जमुना की जो कॉमेडी थी वो लोगों को ज़्यादा अच्छी लगी, उसका जो हंसने का स्टाइल था वो अच्छा लगा, माधुरी भी थोड़ी सी इमोशनल हुई और इसी के साथ जमुना जो है शॉर्टलिस्टेड हो जाती है, उसको जो है प्ले बटन मिल जाता है। गाइस उसके बाद पहुंच जाते हैं एक छोटे से बच्चे के पास जिसका नाम है सुहेल खान। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं सुहेल खान हूं और यहां पे मैं रहता हूं, ये मेरा ठेला है और इसके मेरे पापा जो है मूंगफली लेके जाते हैं। और छोटा सा ये बच्चा है, फर्स्ट जनरेशन का अलीगढ़ का रहने वाला है और बहुत ही एक मीडियोकर से भी नीचे वाली फैमिली का रहने वाला बच्चा है और किस तरह डांस दीवाने की टीम ने इसको ढूंढ निकाला है ये वही जानते हैं गाइस, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे को कैसे वो ढूंढ लाए हैं। और उसके बाद बारी जो है आ जाती है स्टेज पे, राघव ले आते हैं सुहेल खान को। ये सेकंड परफॉर्मेंस थी है डांस दीवाने सीज़न 3 के फर्स्ट एपिसोड की गाइस, 27th को ये एपिसोड हुआ था और आप देख सकते हैं सुहेल की स्माइल कितनी अच्छी है, राघव के जो जोक्स पिटारा या कह सकते हैं वो चलता रहता है, वो किस तरह अपनी बकरी के दांत दिखा रहा है, ये मतलब बातें बहुत अच्छी अच्छी चल रही हैं। उसके बाद वो पैक दिखाता है, अपने सिक्स पैक दिखाता है तुषार को या बाकी जजेस को, तो वो बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायर हो जाते हैं कि क्या बात है यार, 6 साल का बच्चा जो है सिक्स पैक दिखा रहा है। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस की बारी आती है और वो अपनी पोजीशन संभाल लेता है गाइस, और उसके बाद परफॉर्मेंस में जो वो बी वॉइंग के मूव करता है, जो फ्लिप्स करता है, जो लैंडिंग्स होती हैं उसकी, वो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं गाइस और जजेस को मजबूर कर देते हैं वाओ कहने पे। और सुहेल रुकता नहीं है, उसका एक हेड स्टैंड था जो उसने 2-3 बार लिया, वो बहुत ही खतरनाक था, 1-2-3-4 फ्लिप के बाद उसने जो हैंड स्टैंड लिया वो बहुत ही ज़बरदस्त था गाइस, और जजेस को मजबूर कर दिया उसने उठने पे और उसको मतलब कि प्ले बटन देने के लिए। उसके बाद उसने एक हेड स्पिन मारी थी, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त थी गाइस, कंटिन्यूसली वो आई थिंक काफ़ी राउंड्स वो लेता गया हेड स्पिन। इस एज में 6 साल के बच्चे ने जो हेड स्पिन मार के दिखाई है वो डेफिनेटली जजेस को पसंद आई और डेफिनेटली ऑडियंस को भी पसंद आई होगी गाइस। और डेफिनेटली अगर सुहेल आगे प्ले बटन तो इसको मिल गया है, लेकिन आगे अगर शो में कंटिन्यू करता हो तो डेफिनेटली सुहेल मचाने वाला गाइस। ये आप देख सकते हो किस तरह उसने हेड स्पिन ली थी और बैक टू बैक वो राउंडिंग करता रहा गाइस, और ये बहुत अच्छी जो परफॉर्मेंस जजेस को लगी सुहेल की, ये सेकंड परफॉर्मेंस थी डांस दीवाने सीजन की। माधुरी को आप देख सकते हो कि किस तरह उसने वाव कहा, किस तरह वो डर रही है कि ये छोटा सा 6 साल का बच्चा क्या कर रहा है, और सभी जजेस जो हैं मजबूर हो जाते हैं कि स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए, और डेफिनेटली वो तीनों के तीनों स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं और उसके बाद प्ले बटन भी वो दबा देते हैं। और सुहेल ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, और उसके बाद राघव की छुट-पुट जो है मस्ती चलती है उसके साथ। और सुहेल से कोई भी बात अगर आप पूछते हो कि आपके सिक्स पैक कैसे बने हैं तो वो बोलता है कि बकरी का दूध पी के, आप इतने नॉटी कैसे हो बकरी का दूध पी के, आप इतना अच्छा डांस कैसे कर लेते हो बकरी का दूध पी के, मतलब उसकी हर बात का जवाब बकरी का दूध था। उसके बाद तुषार कालिया स्टेज पे आ जाते हैं उसको विश करने के लिए और उसके सिक्स पैक देखते हैं, तभी धर्मेश भी तिकड़म लगाता है और कहता है कि अब फोन आ रहा है इंडिया का कि पब्लिक का, और अब तुषार कालिया भी अपने सिक्स पैक जो है दिखाएंगे, और तुषार कालिया को मजबूर कर दिया जाता है सिक्स पैक दिखाने के लिए और तुषार कालिया भी अपने सिक्स पैक दिखाते हैं। और उसके बाद राघव की जो है मस्ती चलती रहती है, 6-7-8 सारे पैक गिन लिए उसने क्योंकि वो पास से देख रहा था। तो राघव की जो कॉमिक टाइमिंग है वो
बहुत ज़बरदस्त होगी। उसके बाद राघव भी अपने सिक्स पैक दिखाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं दिखा पाता। ये बात जजेस को बहुत हंसाती है, खासकर धर्मेश यलंदे बहुत इंजॉय कर रहे हैं राघव को इस बार। और अगर अकेला राघव होता तो शायद वो इंजॉय ना करता, अकेला धर्मेश होता वो इंजॉय ना करता। उसके बाद एक छोटी सी बच्ची आती है परफॉर्मेंस के लिए जो कि बहुत ज़्यादा छोटी है। जब वो धर्मेश देख रहा होता कि अंदर कोई आ गया है गाइस, उसके बाद सभी परफॉर्मर्स जो रिवील होते हैं, थोड़े थोड़े प्रोमोज दिखाए जाते हैं और सब डांस दीवाने के वो सेट के ऊपर थोड़े से प्रोमोज दिखाए जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के, जो कि कोई एमजे स्टाइल में बैठा हुआ है तो कोई क्लासिकल कर रहा है, कोई ये देखो को बहुत प्यारी सी बच्ची पता नहीं क्या कर रही है। लेकिन ये बहुत अच्छा जो लोगों को लगा। उसके बाद ये कैब वाला मास्टर भी अपना स्वैग, डांस स्वैग कुछ दिखा रहा है। उसके बाद ये भाई साहब आते हैं और ये अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं ऑडियंस को। और उसके बाद ये भाई साहब की टर्न आने वाली है आई थिंक सो, और इनका नाम है पीयूष। और पीयूष जी स्टेज पे आ जाते हैं, धर्मेश के ये बहुत बड़े फ़ैन हैं और आज धर्मेश के सामने ही ये परफॉर्म करने वाले हैं धर्मेश का ही एक ट्रैक। गाइस धर्मेश ने डीआईडी सीजन 2 में जो फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया था, खुद का ऑडिशन दिया था, तब उसने एक फ्लूट जो थी टोन ली थी उसके ऊपर उसने बीट ली थी, उसके ऊपर डांस मूव करा था। इस बार पीयूष एज है इनकी 22 गाइस, और ये रहने वाले हैं नागपुर के सेकंड जनरेशन में। और ये इन्होंने स्टार्ट करा धर्मेश का ही सॉन्ग टनन टनन टन, वो फ्लूट बजती है जो उसके ऊपर डांस करा, और धर्मेश से मतलब कि कोरियोग्राफी इसने चेंज कर दी थी टोटली। और सिंगल सिंगल बीट्स को, जिन बीट्स को धर्मेश ने अपनी परफॉर्मेंस में छोड़ दिया था, उन बीट्स को भी इसने कवर करा गाइस। शुरू से लेके इसने पूरा का पूरा जो है बीट कवर करा, और सिंगल सिंगल बीट जब वो ले रहा था धर्मेश डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसको एन्जॉय भी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्साइटेड भी हो रहे थे कि यार मेरे ही सॉन्ग पे मेरे सामने बंदा इतना खतरनाक परफॉर्म कर रहा है। गाइस मैं बता दूं, पीयूष घरवेले जो है नागपुर से हैं और सेकंड जनरेशन से हैं, और इनको प्ले बटन मिल जाता है और अगर ये शो में कंटिन्यू करते हैं तो बहुत खतरनाक करने वाले हैं गाइस। तीनों जजेस स्टैंडिंग ऑडिशंस देते हैं और धर्मेश जाके खुद स्टेज पे उसे हग करते हैं और बहुत ज़्यादा उसको विशेस करते हैं कि तूने मतलब मेरे ही सॉन्ग पे किया। पीयूष भी बहुत रिस्पेक्ट करता है धर्मेश की और उसके पैर भी छूता है। उसके बाद धर्मेश उसके साथ दो चार जो है मूव डांस के करता है गाने इसी सॉन्ग के ऊपर, तो वो धर्मेश एक्साइटेड बहुत ज़्यादा वो होता है कि यार पहले वाला भी इसको वर्जन याद है, सेकंड वर्जन भी याद है, मतलब क्या बंदा है यार, क्या बिग सेंस है। और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को आप सारे इंजॉय करते हो। फिर पीयूष जो है ऑटोग्राफ लेते हैं धर्मेश से अपनी टी शर्ट पे, तो धर्मेश का बड़प्पन देखो कि धर्मेश कहता है कि यार पीयूष मुझे भी तेरा ऑटोग्राफ चाहिए, और धर्मेश जो है वो भी एक ऑटोग्राफ लेता है पीयूष से अपने रुमाल के ऊपर। तो जब वो पीयूष उसको दे रहा होता है ऑटोग्राफ तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं, जिसे कि तुषार नोटिस कर लेता है और वो माधुरी मैम को बोलता है कि इसके देखो कैसे हाथ श्रिंक कर रहे हैं गाइस। उसके बाद इन्फिनिटी क्रू का प्रोमो थोड़ा सा दिखाया जाता है, उसके बाद एक डिमोलिशन क्रू का प्रोमो दिखाया जाता है गाइस, किस तरह से वो फ्लिप पे फ्लिप मारते हैं वो दिखाया जाता है। उसके बाद वंश और आराध्या का हल्का सा प्रोमो दिखाया जाता है, उनकी परफॉर्मेंसेज अभी नहीं हुई है, आने वाले एपिसोड में उनकी परफॉर्मेंस होने वाली है गाइस, तो उन सिर्फ हल्का हल्का प्रोमो ही दिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है और नेक्स्ट परफॉर्मर जो हैं वो हैं पपाया अंतरा गाइस, और ये हैं बरासा सेकंड जनरेशन में हैं। और गाइस ये इनका स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त है, एक्रोबेटिक, और एज है इनकी 18 to 23, मतलब 18 की वो है और 23 का वो है, और इनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है एक्रोबेटिक, बॉलीवुड है इनका। और जब इन्होंने स्टार्ट करा जो फ्लिप ये ले रहे थे वो बहुत ही खतरनाक थे, डेंजरस थे, अगर हल्का सा भी स्लिप इधर उधर होता को आप देख सकते हो किस तरह से उन्होंने पोजीशंस अपनी ली है, किस तरह के वो मूव ले रहे हैं, अगर हल्का सा भी इधर उधर होता तो वो गिरने के चांस हैं, बहुत ज़्यादा चोट लगने के चांस हैं। लेकिन
ये जुनून है डांस का जो उनके सर पे चढ़ के बोल रहे हैं और वो फ्लिप पे फ्लिप दे रहे हैं गाइस, और किस तरह से वो उसके सर के ऊपर ही उसने पैर रख दिए और किस तरह से वो मूव कर रही है, माधुरी दीक्षित का भी वाव निकल गया और अंदर से वो डर रही है बहुत ज़्यादा कि कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। आप देख सकते हो तुषार काले किस तरह से डर रहा है कि कहीं यार चोट ना लग जाए इनको। तो उसके बाद तीनों जजेस खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन इस परफॉर्मेंस को भी देते हैं। जितनी भी बैक टू बैक परफॉर्मेंस हो रही है, अभी तीसरी परफॉर्मेंस है और ये इसको भी स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। डेयर डेविल ऑफ डांस दीवाने, इनका नाम तुषार कालिया ने सजेस्ट करा कि आप दोनों डेयर डेविल हो डांस दीवाने के गाइस। उसके बाद उनको प्ले बटन मिल जाता है और उसके बाद ये अंकल जी आते हैं चश्मा पहन के। उनका नाम मुझे पता नहीं है लेकिन उनका डांस भी बहुत खतरनाक था और तीनों जजेस ने उनके डांस को इन्जॉय किया और साथ के साथ राघव ने जो इन्जॉय किया उनके एक मूव को, ये वाला जो मूव था उनका जो हाथों को ऐसे ऐसे हिला रहे थे, इस मूव को राघव ने पकड़ लिया और राघव ने उसमें लगा दिया अपना तड़का और फिर पूरे 10-15 मिनट राघव ने ऑडियंस को, जजेस को और सबको इतना ज़्यादा एंटरटेन किया इस मूव को लेके कि लोग लोटपोट हो गए। इवन कि माधुरी मैम भी कुर्सी से नीचे ही गिरने वाले थे। साथ के साथ धर्मेश ने बहुत इन्जॉय किया, पब्लिक ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। डेफिनेटली अगर राघव शो के अंदर है तो कॉमेडी की कमी नहीं रह जाएगी। इमोशंस तो स्टोरी वाइज काफ़ी कम्प्लीट हो रहे हैं लेकिन कॉमेडी भी फुल ऑन होने वाली है और धर्मेश ने भी उसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उसी मूव को धर्मेश ने भी करके दिखाया कि ये मतलब बहुत ज़बरदस्त मूव उन्होंने क्रिएट करा है। और राघव उसके बाद एक गन्ने का डंडा लेके आते हैं और उसके बाद अपना एंटरटेनमेंट का जो पैकेज है धर्मेश का, राघव का, वो स्टार्ट करता रहता है। माधुरी मैम इसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। लास्ट अपने दो सीजन में देखा होगा इतना इन्जॉय नहीं हुआ डांस दीवाना जितना कि अभी राघव और धर्मेश के मारे में आने वाला। उसके बाद गाड़ी निकलती है मध्य प्रदेश की तरफ और पहुँच जाती है नीमच की तलाश कर रही है गाड़ी की। नीमच में उनका एक बंदा है जिसका नाम है उदय सिंह और उसे ढूंढ रहे हैं डांस दीवाने की टीम गाइस। काफ़ी लोगों को उन्होंने पूछा, ये जो दो गाड़ियां जा रही हैं डांस दीवाने का क्रू जा रहा है और ढूंढ रहे हैं उदय सिंह को। उदय सिंह कौन है गाइस? टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हुई थी डांस की और एक बहुत ये आदिवासी बंदा है जो कि जिसे कि आज डांस दीवाने का क्रू जो है ढूंढ रहा है गाइस। टिकटॉक पे ये वायरल हुआ था गाइस और फाइनली एटलीस्ट इन द एंड जो है टीम उसका घर जो है ढूंढ लेती है और उसे जब बुलाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन है ये बंदे, इतनी बड़ी टीम कैमरा लेके आई है। तो टीम वो रिवील करती है कि हम डांस दीवाने सीजन 3 की टीम से आए हैं और आपको ले जाने के लिए आए हैं। तो ये सुनकर उदय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है, घबराता भी है। जब वो अंदर उसके घर में जाते हैं तो आप देख सकते हो उसका घर कितना है, वो आदिवासी एरिया में रहने वाला है गाइस और वो किस तरह से वहाँ पे रहता है, नीमच है मध्य प्रदेश में और कोई जगह है वहाँ पे ये रहता है और सेकंड जनरेशन में डांस दीवाने में कंप्लीट करने वाला है गाइस। किस तरह उसकी माँ जो है खाना पका रही है, रोटियाँ पका रही है कि हम अब जा रहे हैं यहाँ से, तो डांस दीवाने की टीम उसकी माँ से भी बात करती है तो उसकी माँ बताती है कि ये दिन भर या मैं डांस करता रहता है। उसके बाद उदय जो है लेके जाता है किसी घर में जहाँ पर वो टीवी देखता था, डांस शो देखता था छोटे मोटे, तो वो जो घर वाली मालकिन है वो बताती है कि यहाँ पे टीवी देखा करता था सुबह से लेके शाम के। उसके बाद उदय एक रिवील करता है कि जो उदय की वीडियोस बनाता था टिकटॉक के लिए उस बंदे से मिलवाता है और वो बंदा उसकी वीडियोस बना बना के टिकटॉक पे डालता था और आज उसकी बदौलत उदय जो है डांस दिखाने की सीजन 3 में जो जा रहा है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने, सबको बहुत ज़्यादा खुशी है, उसकी बस्ती वालों को बहुत ज़्यादा खुशी। आप देख सकते हो उसकी माँ किस तरह से ये रोटियाँ जो है अपने बैग में डाल लेती है और इन द एंड उदय जो है कार में बैठ जाता है और सबको बाय बाय बोल देता है अपने फैंस को। उसके बाद ट्रेन में उदय निकल पड़ा है मुंबई अपनी किस्मत अजमाने डांस दीवाने सीजन 3 के सीजन में और पहुंच चुका है स्टेज के ऊपर गाइस। और स्टेज के ऊपर पहुंचते ही उदय लग पड़ता है रोने, उसका इमोशन जो है बाहर आ जाता है और वो रोने लग पड़ता है। बहुत कोशिश करती है उसकी माँ उसे चुप कराने की लेकिन उसकी भी आंखें छलक जाती हैं। दूसरी तरफ राघव भी बहुत कोशिश करता है लेकिन उदय के आंसू हैं जो रुकने का नाम नहीं लेते। क्यों रो रहा है ये बंदा? मतलब कि राघव भी, धर्मेश भी सोच रहा है कि यार ये बंदा
क्यों रो रहा है, मतलब कि इसको तो खुश होना चाहिए, लेकिन उसके आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते गाइस। सब उसको समझाते हैं, फिर पानी पी के धर्मेश पिला के राघव ने उसको समझाया तो वो मानता है कि चलो मैं परफॉर्म करता हूँ। माधुरी मैम की भी आंखें भर आती हैं इस पर और उनका हल्का सा मेकअप भी ख़राब हो जाता है। फिर उदय सरफेस को कवर करता है, देखता है इधर उधर और फिर स्टेज को हाथ उत लगा के कोशिश करता है कि चलो अब मैं अपनी किस्मत को आजमाता हूँ गाइस। और उदय ने परफॉर्म करा, 23 इयर्स का हैं उदय सिंह और ये नीमच के रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के, सेकंड जनरेशन में जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं गाइस। उसके बाद उदय ने भगवान है कहाँ रे तू पीके मूवी के सॉन्ग पे एक जो है डांस करा। ये उदय की कोई प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं है लेकिन फिर भी उनका जो डांस स्टाइल है हल्का फुल्का कंटेम्पररी से जो है मैच कर रहा है। उनके इमोशंस बहुत पक्के थे, फ्लिप्स काफ़ी अच्छी थी, क्लियर नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी थी, लेकिन जो उनका फील था वो रियल था, रियल फील था, वो सच में ऐसा लग रहा था कि भगवान से कुछ कहना चाहते हैं गाइस। और उनकी परफॉर्मेंस ने हर किसी को जो है मतलब कि इमोशंस में डाल दिया, क्योंकि उदय की जो स्टोरी लाइन शुरू से उन्होंने दिखाई है कि मतलब आदिवासी बंदा डांस दीवाने की स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है यार, तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी। और फिर लास्ट में उदय का एक मूव थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और वो स्टेज पे फिर से जो है रोने लग पड़ता है कि मेरा जो है मूव ख़राब हो गया है और मैं मतलब कि मेरे से गलत हो गया कुछ, तो मैं अब क्या करूँ, रोने लग पड़ता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो सभी जो जजेस हैं वो उसे दिलासा देते हैं, चुप कराने की कोशिश करते हैं। राघव खुद लंगड़े पैर के साथ उसको चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन राघव भी इमोशनल हो गया यार, और फिर कोशिश करता है राघव उसको मतलब कि मूड में लाने की, तो उसको सभी थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, उसकी माँ भी बोलती है, आप देख सकते हो वो अपनी माँ को साथ ही लेके आया क्योंकि वो माँ बेटे दोनों ही अकेले रहते हैं। तो राघव भी उसे समझाता है, जजिस से बात करता है कि इसने इतनी लाइटिंग इतनी ऐसी स्टेज कभी देखी ही नहीं है, तो हो सकता है उसकी वजह से ये थोड़ा नर्वस है। तो तीनों जजेस पे डिसाइड करते हैं कि इससे एक परफॉर्मेंस हम और करवा के देख लेते हैं, तो उसमें फिर हम इसका रिजल्ट दिखाएंगे। फिर उदय को बता जाता है कि आप देख सकते हो उदय की पुरानी वीडियो जो टिकटॉक पे वायरल हुई थी, तो उदय को बताया जाता है कि उदय जो तू वहां पे करता था, जो तू वहां पे करता था वो यहाँ पे कर, तू भूल जा, तू उसे आदत है मिट्टी में डांस करने की और यहाँ पे स्लिपरी स्टेज है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन उदय फिर हिम्मत उसको याद करता है और शर्ट के बटन बटन खोल के फिर अपनी फील में आ जाता है और ये जिस्म है तो उस सॉन्ग पे जो है वो डांस करता है। वो खुद बोलता है कि इस सॉन्ग पे ही मैंने डांस करना है, जब राघव ने उससे पूछा तो वो यही सॉन्ग बोलता है और वही सॉन्ग लगता है। और उसके बाद जो उदय की परफॉर्मेंस होती है दैट वाज अमेजिंग गाइस, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाली परफॉर्मेंस थी। उसका ड्रेसिंग सेंस देखो कितने मतलब कि कैसे कपड़े पहने, पैंट भी उसके नीचे से फटी हुई है, कपड़े देखो कितने गंदे हैं, बाल देखो कैसे हैं, लेकिन जो डांस स्टाइल की उसने किया ना दैट वाज अमेजिंग यार। सभी जजेस को इमोशन में फंसा दिया और जो फ्लिप्स उसने लिए, जो लैंडिंग उसकी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। लग ही नहीं रहा था कि ही इज़ अ अनट्रेन डांसर यार, ही इज़ प्रोफेशनल, लाइक ही डांस लाइक प्रोफेशनल, उसने प्रोफेशनल्स की तरह जो है डांस किया डांस दीवाने की स्टेज पे। और तीनों के तीनों जजेस जो हैं वो मतलब कि खड़े हो गए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और तुषार काले स्टेज पे आके उसको बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशनल जो है बातें बोलते हैं, तो उदय भी बोलता है कि हम जैसे लोगों को ना सपने देखने के अधिकार नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो हमारी बस्ती वाले लोग जो हैं अब ये सोच सकते हैं कि हम भी टीवी पे जा सकते हैं, हम भी बड़ी स्टेजों पे डांस कर सकते हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा इमोशन लगी लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब भी सपने देख सकते हैं और सभी एज के बंदे सपने देख सकते हैं, क्योंकि डांस दीवाने का फॉर्मेट ही कुछ है कि हर एज कैटेगरी के बंदे इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और इस बार तो डीओ ट्रायो और क्रू भी कर सकते हैं गाइस। उसके बाद जब राघव देख रहा है तो एक छोटी सी बच्ची राघव के पास आ जाती है, राघव उसकी हाइट नापता है तो कहता है ये इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ से आ गई और ये क्या करने आई है बैग लेके।
तो वो उसको राघव को समझाते हैं कि भैया जी मैं यहाँ डांस करने आ रही हूँ और आप मेरी परफॉर्मेंस देखो तो पता लगेगा। लड़की का नाम है प्रेशा और उम्र है 6 साल की गाइस, और ये कुछ धमाल जो है करने वाली है इस बार। और इसने भरतनाट्यम जो है परफॉर्मेंस करी, उसके डांस मूव लंदन थुमकदा पे इसने जो परफॉर्मेंस दी गाइस, डेफिनेटली एक सिंगल बीट को नहीं छोड़ा इसने। और भरतनाट्यम इतना अच्छा किया कि जजेस को मतलब कि खुश कर दिया। और लास्ट परफॉर्मेंस ये डांस दीवाने सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड की थी, और माधुरी मैम ने इस परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और प्रिशा के जो डांस मूव थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे, उसने बीच में हल्का सा हिप हॉप के बीट्स भी लिए जो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे गाइज। अगर आप और ये लास्ट परफॉर्मेंस थी डांस दीवाने सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड की गाइज, और सेकेंड एपिसोड जल्दी ही मैं रिव्यू करने वाला हूँ ऐसे ही स्टोरी वाइज गाइज। और इसको भी प्ले बटन मिल गया था प्रिशा को, सभी जजेस ने बहुत इसको एंजॉय करा था। और उसके बाद उसकी माँ के साथ जो है बातें करते हैं सभी जजेस धर्मेश और सभी, और उसकी माँ के भी डांस मूव जो हैं देखे जाएंगे स्टेज पे। और उसकी माँ कहती कि मेरी एम्बिशंस थी कि जो मेरे सपने थे मैं पूरी नहीं कर पाई, और मैंने अपनी बेटी को वो सपना दिखाया और आज मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ हूँ। तो यहीं पे एक हैप्पी एंडिंग जो है डांस दीवानी सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड की हो जाती है गाइज। उसके बाद क्या क्या होने वाला है अगले एपिसोड में, कौन कौन सी खतरनाक परफॉर्मेंस आने वाली हैं, ये सारी मैं आपको रिव्यू करूँगा स्टोरी वाइज और पिक्चराइजेशन के साथ गाइज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए डांस दीवाने की पूरी अपडेट के लिए गाइज। और क्या क्या होने वाला है डांस दीवाने में, कौन कौन से नए नए बंदे आने वाले हैं, कौन कौन से क्रियू आने वाले हैं, कौन कौन से आर्टिस्ट आने वाले हैं, ये सारा कुछ मैं रिव्यू करूंगा गाइज। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग ऑन डांस दीवाने। डांस दीवाने आप कहाँ पे देखोगे, डांस दीवाने आप देखोगे कलर टीवी पे। और अगर आपका कोई मिस हो रहा है शो तो आप मेरी वीडियो भी आप देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो से पता लग रहा है कि परफॉर्मेंस बहुत फाड़ू होने वाली है तो उसके बाद आप डांस दीवाने जाके देख सकते हो बूट सेलेक्ट ऐप पे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज। अगर बूट सेलेक्ट ऐप आपको मुश्किल है तो एमएक्स प्लेयर पे भी आप डांस दीवाने सीजन 3 देख सकते हो गाइज, टोटली फ्री आप इसको स्ट्रीम कर सकते हो एमएक्स प्लेयर या बूट सेलेक्ट ऐप पे। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग। और इसी तरह डांस दीवाने सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है गाइज। लव यू ऑल गाइज, कीप सपोर्टिंग।